नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल ग्रीनक्स में। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपसे हम शेयर करेंगे ऐसे प्लांट जो आपके गार्डन में हमेशा बने रहेंगे और फूल देते रहेंगे। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हमारा प्लांट आता है ये गुलाब का। जी हाँ, आप जो है देसी गुलाब लगाएंगे तो आपको 12 मास फूल मिलेंगे। अगर आप हाइब्रिड या अंग्रेजी गुलाब लगाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा रुक रुक कर फ्लावर आएंगे। दोस्तों देसी की आप कलम लगा सकते हैं, मगर आप अंग्रेजी गुलाब की कलम नहीं लगा सकते। आपको उसकी ग्राफ्टिंग बनानी होगी या बड्स को निकाल कर लगाना होगा किसी दूसरे प्लांट पे, तब आप अंग्रेजी गुलाब बना सकते हैं। दोस्तों नर्सरी में आपको देसी गुलाब 40-50 के लमसम मिल जाएगा आसपास, और अंग्रेजी गुलाब लेंगे आपको तो 150 के आसपास वो मिलेगा। मर्जी आपकी, आपको जो बजट अलाउ करता हो आप वो प्लांट लें। फूल तो दोनों ही अच्छे रहते हैं, बहुत बढ़िया चलते हैं दोनों। तो दोस्तों ये गुलाब का प्लांट आपके गमले में, आपके पॉट में हमेशा चलेगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रख करना है, बहुत बढ़िया चलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है टिकोमा का। जी हाँ, इसको गौरी चौरी भी बोलते हैं, और ये ऑरेंज और येलो दोनों कलर में आता है। ये अब मिनिएचर भी आ गए हैं, हाइब्रिड भी। तो आपको जो पर्याप्त आपके पास स्पेस हो आप उस पर ये प्लांट लगा सकते हैं, और दोनों ही आपको 100 रुपये के आसपास मिलेगा नर्सरी में। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है दोस्तों ये। इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में, या अपने जो है हैंगिंग में भी मिनिएचर लगा सकते हैं। खूबसूरत प्लांट होता है दोस्तों ये। इसके बाद आपको मैं एक और बता दूंगा, इसकी आप जो सीडलिंग बनती है सीड निकाल कर आप लगा सकते हैं। कलम से भी लग सकता है बड़ी आराम से। इस प्लांट को आप बारिश में बड़ी आराम से प्रोपोगेट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये कटिंग से लग जाता है। थोड़ा सा बस इसकी सेमी वुड कटिंग लीजिएगा, आराम से ये ग्रो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है जी मधु मालती का। जी हाँ, ये मिनीचर हाइब्रिड दोनों आ गए हैं अब तो। इसको आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। आप इसको जो है अपने जो है गेट के ऊपर और रेलिंग में दोनों में लगा सकते हैं। इसमें भीनी भीनी खुशबू आती है, और ये 4 से 5 फूल इसमें गुच्छे में आते हैं। इसको लाल लटकन, मधुमालती, मधुकामनी, गुच्छा बेल, बुंदा बेल सभी नाम से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्र में। तो इसको आप ज़रूर लगाएं, ये साल भर हरी भरी रहती है, खुशबू बहुत देती है ये, और देखने में भी अच्छी लगती है। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में, ऐड करें। कम देख रेख में अच्छी चलने वाली ये लतर बेल होती है, खूबसूरत तो होती ही है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है जी हाँ कनेर का। कनेर आप चाहे मिनिएचर लीजिए या हाइब्रिड या देसी साइड, कोई भी लीजिए आप, ये साल भर फूल देता रहता है। तो इसको आप ज़रूर लगाएं, और बढ़िया चलता है ये। दोस्तों इस प्लांट में थोड़ा सा विष होता है, यानी पॉइजन, बच्चों से इसको दूर रखें। और ये ईजिली टू ग्रो है, लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, और इसको आप ज़रूर लगाएं। मार्केट में आपको ये नर्सरी में करीब 60-70 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसको आप ज़रूर लगाएं, बहुत ही खूबसूरत होता है ये। गुच्छों में भी आ गया, सिंगल पेटल डबल पेटल दोनों होते हैं। तो आपको जो मिले आप वो लगा लीजिए, ये साल भर फूल देता है, ईजिली टू ग्रो है। और इसके बाद नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है दोस्तों चंपा का। जी हाँ, प्लूमेरिया। ये लाल, सफ़ेद, पीले कई कलर में आते हैं, और हार्डी प्लांट है, साल भर फूल देता है ये, और लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। तो इस प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, नर्सरी में आपको 60-70 रुपए में मिल जाएगा। तो इसको आप ज़रूर लाएं। चंपा में नाग चंपा भी आता है, तो वो आपके ऊपर है, आपको जो मिले वो लगा लीजिए। कोई जो है ज़रूरी नहीं कि आप चंपा ही लगाएं, नाग चंपा भी लगाएं, उसमें भी फूल आता है इसी तरह से। बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है दोस्तों ये, और इसको ला के ज़रूर लगाएं। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है विनका का। जी हाँ, ये सदाबहार, इसमें हाइब्रिड मिनिएचर दोनों आ गए हैं, और दोनों ही साल भर फूल देते हैं। लो मेंटेनेंस में चलने वाले प्लांट हैं ये, बिगनर इसको ज़रूर लगाएं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, जल्दी ख़राब नहीं होता है,
एक बार लगा लेंगे तो हमेशा ही चलता रहेगा और खूबसूरती बनाए रखता है आपके गार्डन की। तो दोस्तों, इस प्लांट को लगाना ना भूलें, अपने बगिया में ज़रूर ऐड करें, ये हमेशा चलते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है एक ज़ोरा का। दोस्तों, एक ज़ोरा जो है गुच्छों में फूल देने वाला प्लांट है और ये नर्सरी में आपको 100 से 150 के आसपास मिल जाएगा। आप इसको कटिंग द्वारा बरसात में लगा सकते हैं और इसमें लाल, सफ़ेद, गुलाबी कई कलर में आ गए हैं। इसके फूलों की खासियत होती है, एक बार ये फूल जब खिल जाता है तो 20 से 25 दिन बना रहता है गुच्छों में फूल और इजीली चलता ही है और बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों ये प्लांट। तो इसको आप जो है ज़रूर लगाएं, अपने बगिया में ऐड करें, फर्स्ट क्लास प्लांट होता है दोस्तों ये। इसके बाद दोस्तों अगला प्लांट आता है गुड़हल का। दोस्तों, गुड़हल में भी हाइब्रिड मिनिएचर दोनों आ गए हैं, देसी भी आता है इसमें। देसी आपको सिर्फ जो है कुछ ही दिनों फूल देगा, मगर ये हाइब्रिड जो है साल भर फूल देता रहता है। बस इसको आप जो है थोड़ा सा पानी का ध्यान दीजिए रखरखाव का, और लाल, ऑरेंज, पिंक ये तीनों कलर बहुत ज़्यादा फूल देते हैं, कोशिश करिए आप इसी में का लगाइए, बहुत बढ़िया फूल चलता है, देता ही है। और अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें, फर्स्ट क्लास फूल देने वाला ये प्लांट है। अगला प्लांट है दोस्तों बोगनवेलिया का। दोस्तों, इस प्लांट में हाइब्रिड मिनिएचर दोनों आ गए हैं, इससे आप बोंजाई बनाइए या टोपियारी बनाइए, और ये लो मेंटेनेंस हार्डी प्लांट है, साल भर फूल देने वाला प्लांट है दोस्तों ये। एक बार इस प्लांट को आप लगा लेंगे उसके बाद ये हमेशा चलता रहता है और फूल देता रहता है, इसमें आपको ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया फूल देता है ये। और जब आपको फूल लेना हो इस प्लांट से तो इसकी कटिंग करके पानी रोक दीजिए, जब कलियाँ ला आ जाएँ फिर उसके बाद आप पानी दीजिए, फूल इसमें भर मार कर आएगा। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों बेगम बहार। इसको आप एक बार लाएंगे नर्सरी से, करीब 70-80 रुपये का आसपास मिलता है, ये साल भर फूल देता रहता है, खूबसूरत बहुत लगता है, पर्पल कलर का इसमें फूल आता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है, कटिंग द्वारा इसको आप लगा सकते हैं, खूबसूरत प्लांट होता ही है, साथ में अच्छा भी लगता है। ये गुच्छों में फूल आते हैं इसमें भी, तो आप ऊपर है आप ये जो है छोटे पॉट में लगाएं या बड़े में लगाएं, दोनों में बढ़िया चलता है ये, और इसको आप लगाना ना भूलें, ये हमेशा बने रहेंगे आपके गार्डन में, फूल देते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों मोगरा का। मोगरा प्लांट साल भर फूल देने वाला प्लांट है और ये गुच्छों में सिंगल पटल, डबल पटल दोनों में फूल आते हैं इसमें प्लांट में, आपको जो मिल जाए वो लगाइए, फूल तो देता ही है साथ में खुशबू भी देता है, हरियाली बनी रहती है। तो दोस्तों, इस प्लांट को लगाना ना भूलें अपने गार्डन में, बहुत ही प्यारा सुपर हार्डी प्लांट होता है, और बस आप पानी की मिस्टिंग करते रहिए, फर्स्ट क्लास चलता ही है। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर हमारे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और हाँ दोस्तों, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कल मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, अब हमें आज्ञा दीजिए, और हाँ दोस्तों, प्लांट लगाते रहें, बच्चों को भी मोटिवेट करते रहें। दोस्तों, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मेरा 1K सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तब हमारे चैनल की ग्रोथ होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।